पंजाब के जिला फरीदकोट में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आज भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना की गई। इसी के साथ एक अशोका चक्र चिन्ह भी स्थापित किया गया। इस मौके पर जिले के डिप्टी कमिश्नर MS जग्गी के साथ फरीदकोट के MLA और कई बड़े अकाली नेता मौजूद थे। इस मूर्ति के बारे में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह सरकार की ही स्कीम है कि हर जिले में बाबा जी की मूर्ति लगाई जाए। हमने आज फरीदकोट डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में इस मूर्ति की स्थापना की है। इस मूर्ति के लिए सरकार की ओर से विशेष फंड आया था। मूर्ति पर करीब 4 से 5 लाख का खर्च आया है। फरीदकोट से प्रेम पास। फरीदकोट के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पलैक्स है उस दे विच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का असी इत्थे स्टैचू अज लगाया सी, जिस दा उद्घाटन साढ़े मानयोग मनतार बराड़ जी जो अपने MLA हैगे कोटपुरा तो श्री दीप लोथरा जी जो MLA फरीदकोट उन्होंने उद्घाटन किया। तो नाल ही साढ़े जिहड़े सबका यूथ वेलफेयर बोर्ड के जो चेयरमैन सन मिस्टर बंटी रोमाना जो भी अच्छ हाजिर से तो सुबह बादल जी तो सारे की हाजिरी अच्छ इतने इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो सरकार की स्कीम है कि हर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पलैक्स है उन्होंने एक स्टैचू लगाया जाना है। सानू सरकार वालों स्पैशलिस्ट पैसे आए थे उन्होंने असं लगवाया है। सर फरीदकोट के हम तक बाफरी मेले तो लैके हम तक जो स्टैचू लगाए गए कि लगाए गए स्टैचू तो हरे जी सारी जहाँ असी कल्चर सोसायटी वालों आर्ट पीसिस लगाए हैं जो बाकी थावान पर लगे हैं। एंड ईवन हम दरबारगंज कॉम्पलैक्स के ही असं अज ले आते हैं कुछ स्टैचू उत्थे लगा रहे हैं। वो किसी बंदे व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, वो सारे एक आर्ट पीसिस हैं तो लोगों को एक खूबसूरत आर्ट दिखाने वास्ते है।